हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलूजा क्लासेस। इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्टिंग है, जिसके अंदर व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं ये क्लियर करूंगा। देन व्हाट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर न्यूटन्स की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर एक एप्पल टुवर्ड्स अर्थ आता है तो वाई एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द एप्पल बट नॉट इन द अर्थ। तो ये थ्री टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में पेज 100 और 101 पे कवर्ड हैं, मैं वो दे देता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले आप लॉ की लैंग्वेज सुन लें, फिर उसका डेरिवेशन बता देता हूं कि एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मासेस का इनटू मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। जैसे इस केस में आप स्टार्टिंग करोगे, अगर ये मान लो आ जाए कि डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर दिस स्केच। ये स्केच बना के आप इसके अंदर शो करोगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट अस से आर या डी कुछ है, लेट अस से इसका मास m1 कहा आपने तो इसका मास m2 कहा, करेक्ट। तो आप लिखोगे लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ये लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या लिखना है, एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दैट इज m1 इनटू m2, इसे नंबर 1 मार्क कर दे। फिर लिखना है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान रखना, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा इनवर्सली तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मैं कहूंगा डायरेक्टली तो न्यूमिनेटर में रहेगा। देन इन दोनों को कंबाइन करोगे तो वी कंबाइन दीज टू गेट द रिजल्ट फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और पूरी फिजिक्स में ध्यान रखना, व्हेनेवर वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देन वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। इसके बाद आपको लिखना है और एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वेयर। अब इसमें ये मेंशन करना जरूरी है वेयर जी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव किया है, g इज अ कॉन्स्टेंट और इसकी वैल्यू बाद में ऑल्दो इन न्यूमेरिकल्स गिवन होती है बट अगर याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका ये यूनिट भी है। अब इसका यूनिट का बताता हूं, ये यूनिट कैसे बना, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल g, वट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल g। द स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g ये है और उसका वैल्यू तो है 9.8 और यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है कांस्टेंट, उसका मैंने बता दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए, अगर आज ये डिराइव द फॉर्मूला तो ये है, लॉ की लैंग्वेज आपको मैंने प्रोनाउंस कर दी, आपको वर्ड टू वर्ड लॉ की लैंग्वेज में कोई डेविएशन नहीं होती, तो जैसे मैंने प्रोनाउंस किया आपको वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करने हैं और वैसे एग्जाम में लिख के आना। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो मैं रिपीट कर देता हूं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये लॉ है, ये इसका डेरिवेशन है। अब देखें जी का यूनिट कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट बना कैसे, तो आप इसी फार्मूले पे जाओगे तो आप लिखोगे वी नो दैट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ट्रांसपोजिशन का रूल से ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, जी अकेला रहेगा, तो दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब जी को डिफाइन करने के लिए इसमें सब के ऐसा यूनिट डाल दें, तो फोर्स है न्यूटन में, आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस है मीटर में और ऊपर स्क्वायर है, ये हो गया, ये अपॉन या स्लैश एक ही बात होती है, मास है किलोग्राम में तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, तो रट्टा मत मारो, रट्टा नहीं मारना, रट्टे फेंकने से कुछ नहीं होता, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट है और 6.67 इंटू 10^-11
इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये होगा पहला पार्ट। अब इसमें वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय टेंजेंट टू द सर्कल। तो मैंने फिगर बना के दे रखी है, एनसीईआरटी में पेज 101 पे गिवन है। तो डेफिनेशन ये है, इसकी अ लाइन विच टचेज द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। टचेज एग्जैक्टली, इंटरसेक्ट वर्ड नहीं लिखना, टचिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे इस फिगर में एक्स वाई टेंजेंट है एंड पी इज कॉल्ड, इसका भी स्पेशल नेम है, पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भी हो गया। अब इसकी डिफाइन करने की नीड क्यों आई, नीड ये आई कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है। हालांकि ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी था, मोशन वाले में भी था, तो इसमें रिपीट होता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि अगर पार्टिकल ये ए है तो व्हाट इज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ सर्कुलर मोशन। तो याद रखना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन इज डिटरमिंड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे आप ये जानना चाहते हो कि बॉडी जब ए पे थी तो इसकी दिशा डायरेक्शन क्या मानी जाए, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये दिशा मानी जाएगी। सपोज बॉडी घूम के यहां तक आ गई, लेट अस से बी पे आ गए। नाउ यू वांट टू नो, जब बॉडी बी पे आई तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या मानी जाएगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये मानी जाएगी, टेंजेंट। आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये दिशा मानी जाएगी। सपोज एक क्वेश्चन पूछे, लेट अस से बॉडी रोटेट करके सी पे आ गई, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे मानी जाएगी, तो आप यहां से ज्वाइन करो, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो डायरेक्शन ये मानी जाएगी। तो वी से दैट द डायरेक्शन इज डिटरमिंड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये हो गया। एक क्वेश्चन इतना ये भी है जो मोशन के चैप्टर में भी था, कि वाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्दो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे बॉडी लेट अस से हर एक मिनट में एक सेकंड में एक मीटर ट्रेवल करती है, तो 1 मीटर पर सेकंड लगातार कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से है, करेक्ट, 1 मीटर पर सेकंड, बट फिर भी इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। रीजन बीइंग, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। तो आप आंसर ये देंगे, सिंस इन अ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, hence velocity is changing, hence it is accelerated motion। तो आप इसके notes prepare कर लें, ऐसा question भी आ सकता है। एक NCERT में ये भी given है कि अगर suppose Newton की ये observation थी कि एक apple या कोई object towards earth आता है, तो question ये arise होता है कि अगर दोनों ही body एक दूसरे को attract करती हैं, तो earth भी apple की तरफ क्यों नहीं चली जाती, apple ही earth की तरफ क्यों आता है। तो इसमें भी सेकेंड चैप्टर का न्यूटन से सेकेंड लॉ अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू विच एफ इज इक्वल टू एम ए, और वी कैन से ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो ये आप समझ लें इससे कैसे एक्सप्लेन करना है, ए इज इक्वल एफ अपॉन एम। तो ये फार्मूला ये बताता है, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली मीन्स अपॉन में आइए, दैट इज अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इट मींस ऑब्जेक्ट का मास, लेट अस से एप्पल या कोई और ऑब्जेक्ट हो, उसका मास एज कंपेयर टू अर्थ तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि मास कम है इसलिए एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसमें एक्सेलरेशन तो ऑब्जर्व होगा, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज, तो ये छोटा हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नेग्लिजिबल होगा। और यही हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं सन और अर्थ के ऊपर या प्लेनेट के ऊपर। आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे सोलर सिस्टम का जितना मास है उसका 99.9% सन के पास है, बाकी 0.1% में सारे प्लेनेट्स काउंट हो जाते हैं। तो सन का मास ज्यादा है इसलिए रोटेशन अर्थ में ऑब्जर्व होती है, इसमें नहीं होती। और इसकी भी एक्सप्लेनेशन यही है कि जिसका भी मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको मैंने न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बता दिया है, नेक्स्ट में इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 क्यों है, उसके क्या कंसीक्वेंसेस हैं, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की कहां कहां एप्लीकेशन है, एंड देन उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी और वो सारे फिनोमेना बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर दूंगा, आपको और कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी, दैट आई अश्योर यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और
कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर वीडियो को अच्छा सा लाइक दिया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी 9th और 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल के साथ मैं आपके चैनल पे अवेलेबल कराने वाला हूं। बहुत सारे टॉपिक्स, मोर देन 400 वीडियोस आ चुकी हैं, और हर शॉर्ट में बार बार बोलता हूं, आप हर शॉर्ट को अगर केयरफुली देखें ध्यान से, तो हर शॉर्ट में भी कोई ना कोई इन डेप्थ नॉलेज ही है, और आप उसे देख के नोट्स प्रिपेयर कर लें तो यू विल बी लर्निंग वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।